तरीके से शुरुआत हुई है। आप सब लोगों का सहयोग यहाँ पर, इतनी तादाद में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीत के क्षेत्र के लोग आए हैं, अपनी दुआएं देने, आशीर्वाद देने बहुत आभार। इस फिल्म में आपकी जो भूमिका बहुत ही अच्छी रही, मगर इस फिल्म का हाई पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? मैंने फिल्म देखी नहीं है, यूजुअली क्षमा चाहता हूँ, ना मैं अपनी फिल्म देखता हूँ ना पराई की फिल्म देखता हूँ, बस दुआ दे सकता हूँ, आशीर्वाद कर सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। धन्यवाद। इसमें भी तो मैंने सोचा शायद ऐसी कोई जरूरत नहीं लग रही है, ये आपकी मोहब्बत है, आप लोगों ने कम से कम याद की है, अब आप हमारे क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि आज म्यूज़िक की कुछ बातचीत हो जाए। हाँ, हम तो तरस रहे थे कि कोई ऐसी बात पूछे कि म्यूज़िक की बात, जैसे सीमा कपूर जी इसमें डायरेक्शन में है, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, और हमें 15-20 साल से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आगे भी एक इनकी फिल्म की है हम लोगों ने, हार्ट वीकली बाजार, और हर काम में हमें याद करती हैं, और इसमें प्रोड्यूसर हमारे ओम छंगानी साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिकल हैं, अनूप जी लोटा साहब जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने भी जैसे आप यकीन मानिए अली गनी हम लोगों को नाम से लोग पहचानते हैं, तो उसमें भजन के लिए लोग सोचते हैं, तो अनूप जी ने हम लोगों से ही भजन बनवाया है, और हम लोग भजन बहुत अच्छा हमारी तरफ से कोशिश की, एक अच्छा बना है भजन। क्या लगता है कि कव्वाली का दौर आपस थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये गाया है कव्वाली में जो मजा थी एक्चुअली, लेकिन आपने देखिए जी 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 कव्वाली जो है ना, कव्वाली हुई, भजन हुए या मेलोडी सॉन्ग हुए, ये कभी पुराने होने वाले नहीं है, ये साइकिलिंग है, आती है जाती है चलती है, फिर वो ज़माना आ जाता है गज़लों का। एक आपने तो ज़रूर आपको याद होगा कि गज़ल का क्या दौर था उस वक्त, फिल्म वाले भी गज़ल वालों को लेने की कोशिश करते थे, ये दौर था, तो अभी भी शायद ये जल्दी आएगा, और ये शाम गज़ब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है, ये अच्छा लिखा भी गया है, अच्छा गाया तो मैंने है, और मेरे बेटे शेरदिल ने गाया है, मगर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, मगर हमें लगा कि कव्वाली अच्छी बन चुकी है, और भजन भी अनूप भाई अच्छा गाया है, एक रोमांटिक सॉन्ग जावेद अली साहब ने गाया है, वो भी बहुत अच्छा है, आप लास्ट में जो अभी आप देख रहे थे उसमें आखिरी जो तेरा इशारा सॉन्ग जो है, बहुत अच्छा गाना बन चुका है, उसमें एक वर्जन हमारे बेटे समीर ने भी गाया है। जी हुक्म करिए। और जो हमारी फिल्म का म्यूज़िक है बहुत ज़बरदस्त है, इस गाने को सुनिए, एक एक गाने का आनंद लीजिए, और उसके बाद फिल्म का मजा लीजिए। भजन सम्राट आपका बहुत नाम है, वो आपके आगे कबाड़ी लग गया है, तो आपसे तो लोग एक भजन की फिल्म की उम्मीद करते थे। हमने गाया है इसमें, गाया है भजन इसमें, वो छोड़ेंगे थोड़ी, एक भजन इसमें गाया है, बहुत सही जगह वो लगा। इसमें सबसे अच्छा प्रिय गाना कौन सा? सबसे अच्छा मुझे कव्वाली लगी है, जिसमें ओम पुरी जी और अनु कपूर जी ने बहुत बढ़िया गाना किया, क्योंकि स्टोरी कबाड़ी की है, कबाड़ी है उसकी ज़िंदगी की कहानी, तो उसमें हम अगर इसका नाम कुबेर रख देते तो गड़बड़ हो जाता। अच्छा, हाँ अरे जो वो देखना चाहेंगे वो देखेंगे, जो हमें देखना चाहेगा हमारी फिल्म देखेंगे, दोनों चीज़ें। हाँ, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे मेरी फैमिली हैं, जैसे कि राइट फ्रॉम अनूप जी टू सीमा जी टू अनू जी, हमारे खास करके पुरी साहब जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं, सबको बेस्ट विशेस हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, जो इन्वॉल्व हैं, मेरे अपने परिवार सब लोगों को ईश्वर करे ये मिस्टर कबाड़ी बुक चले, और बस लोगों को हंसा हंसा के कहते हैं ना कि
उनकी हालत खराब हो जाए। आपका एक गाना प्यार तो बस जल्दी सुनेंगे, ऐसा नहीं, काम तो आर्टिस्ट कभी ख़त्म नहीं करता है, लेकिन हाँ कुछ हालात ज़रूर आपके बदलते हैं हमेशा। आप, मैं बहुत और काम भी कर रही हूँ, प्रोग्राम्स कर रही हूँ, अभी आई हूँ 2-4 दिन पहले लंदन से, गज़लों के शोज़ थे, हम लोग गज़ल को प्रमोट कर रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं और कुछ सोशल वर्क भी कर रही हूँ साथ साथ, तो बहुत सारे काम हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के लिए भी जाती हूँ, जो मैंने PhD की है उसके ऊपर काम कर रही हूँ, बुक लिख रही हूँ, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग। कुछ अलग करना चाहिए, वैसे ही कुछ हटके कर रही हूँ और बहुत जल्दी गाने भी आप सुनेंगे। थैंक यू।